नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। श्री गंगानगर जिले की सबसे बड़ी इकाई सुरतगढ़ सुपर थर्मल को सरकार ने एक साल के लिए बंद करने का फैसला लिया है। मंदे की मार से पहले से जिले के लोग परेशान हैं। पहले कॉटन कॉम्प्लेक्स, फिर तिलम संघ, फिर जेसीटी जैसी बड़ी इकाइयों के बंद होने से जिले का कारोबार और रोजगार पूर्ण रूप से लड़खड़ाया हुआ था। सरकार एक साल के लिए सुरतगढ़ थर्मल से विद्युत उत्पादन बंद करने का फैसला लेकर गंगानगर को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुल गई है। थर्मल से विद्युत उत्पादन नवंबर 2018 से बंद करने के निर्देश सुरतगढ़ थर्मल प्रशासन को दिए गए हैं। हालांकि सुरतगढ़ थर्मल प्रशासन अभी इन आदेशों के मिलने से इनकार कर रहा है। इस बीच मिली जानकारी के अनुसार उत्पादन बंद करने का फैसला ऊर्जा मंत्रालय स्तर पर लिया गया है। सुरतगढ़ थर्मल बंद होने से हजारों कर्मचारी, श्रमिक और परिवार प्रभावित होंगे। इस समय थर्मल के आसपास हजारों परिवार निवास करते हैं, वे पूरी तरह से थर्मल पर निर्भर हैं। थर्मल से उत्पादन बंद होने से श्री गंगानगर जिले में बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। विद्युत उत्पादन बंद करने का कारण कोयले की कमी बताया जा रहा है, जबकि सुरतगढ़ थर्मल पावर के मुख्य अभियंता मदन लाल शर्मा ने फाइटर को बताया कि थर्मल में कोयले के संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है तथा हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है।